नमस्कार। क्या आप किडनी की पथरी से पीड़ित हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसे नेचुरली कैसे गला सकते हैं? इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा हूँ, डायरेक्टर यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। हम इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी की वीडियोस बनाते रहते हैं इसके बारे में, और नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किडनी की पथरी को गलाना संभव है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि पथरी का कॉम्पोजिशन क्या है। किडनी की पथरी कैल्शियम की हो सकती है, ऑक्सलेट की हो सकती है, मिक्स्ड कॉम्पोजिशन की हो सकती है, एवं यूरिक एसिड के स्टोन्स भी हो सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन जो कि 10 से 15% लोगों में पाया जाता है, इस प्रकार के स्टोन को एल्कलाइजर्स की मदद से गलाया जा सकता है। तो कॉमन रूप से दिए जाने वाले यूरिन एल्कलाइजर्स यूरिक एसिड की पथरी को गला सकते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह पथरी केवल 10 से 15% केसेस में ही होती है। इसके अलावा एल्कलाइजर्स को ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या कुछ अन्य प्रकार की पथरी में अगर यूज करते हैं तो वह इसकी ग्रोथ को बढ़ाता भी है। तो उसके कारण को बिना जाने अगर हम एल्कलाइजर्स या कुछ भी किडनी की पथरी की गलाने की दवा ले रहे हैं तो वह काम करने के बजाय उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है। दूसरा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है, पथरी का साइज। अगर पथरी का साइज 5 या 6 mm से ज़्यादा बड़ा है तो ऐसी पथरी को गलाना कठिन होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो कि लगभग 80 से 85% केसेस में पाया जाता है, इस प्रकार के स्टोन को गलाने की कोई भी बहुत इफेक्टिव दवाई नहीं है। 5 से 6 mm तक के स्टोन स्वतः ही निकल सकते हैं, अतः उस प्रकार के स्टोन के लिए अगर आप कोई दवा ले भी रहे हैं तो मोस्टली उसका रोल उसको गलाने में नहीं बल्कि ऐसी दवा लेने की आवश्यकता है जो उसको निकलने में मदद करे। इसके लिए अल्फा ब्लॉकर्स एवं कुछ अन्य प्रकार की मेडिसिंस हैं जो यूरिन के मार्ग को रिलैक्स करके किडनी के पथरी के स्टोन को निकलने में हेल्प करती हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।